हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और आप सभी लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, उसी तैयारी को आप सभी लोगों को जबरदस्त करने के लिए आज मैं कुछ चीज़ें जो है बहुत ही प्लानिंग से सेट किया हूँ। आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स, वीडियो को मिस नहीं करना है। चाहे आप स्पीड बढ़ा के ही देख लीजिएगा, लेकिन देखना जरूर है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम चर्चा क्या क्या करने वाले हैं कि फॉर्म में गलतियां आप सभी लोग जो भी किए हैं उसकी संशोधन की तिथि बढ़ गई है, कितने लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं फ्रेंड्स, कितना कंपटीशन है, एक सीट पे कितनी फाइट होने वाली है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये रूल जरूर फॉलो करें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आज मैं वो आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम आपसे बात करते हैं कि जो फॉर्म में आप लोग गलतियां किए हैं, तो उसका जो संशोधन का डेट है वो डेट बढ़ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं तो 4 दिन डेट बढ़ी है, 17, 18 और 19 और 20। आप सभी लोग देखिए फ्रेंड्स, अपना फॉर्म को चेक करिएगा एक बार। सबसे पहले अपना नाम देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स एक बार अच्छे से मिला लीजिए, कहीं कुछ गलती तो नहीं है फ्रेंड्स। अगर गलती हुई तो फिर आप ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे, जो आपका वर्दी पहनने का सपना है वो टूट जाएगा। इसलिए हर एक चीज़ को एक बार फिर से जाके घर पे यानी एक बार फिर से मिला लीजिएगा खूब अच्छे से। अब देखिए फ्रेंड्स, एक अगली खुशखबरी की बात है कि डॉक्यूमेंट्स को कोई ये आवश्यक नहीं था कि डिजी लॉकर से अपलोड किया जाए, तो आप जो बच्चे स्कैन करके लगाए हैं उनके लिए बड़ी ही राहत की बात है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बातें आपको ध्यान देना, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, फॉर्म में गलती नहीं होना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स मैं हमेशा यूनिक चीजें लेके आता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों के लिए आता हूँ, मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया कि जो आपके जैसे फोटो की बैकग्राउंड हमने कहा था व्हाइट कलर या ग्रे कलर में होनी चाहिए, कान वगैरह अच्छे से दिखना चाहिए, नहीं कोई टोपी लगा के जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप फोटो खिंचा ली है, तो ये सारी चीजें अभी आप कर सकते हैं, एक ही बार आप संशोधन कर सकते हैं। आप जब संशोधन करने जाइएगा तो फ्रेंड्स एक ही बार में अच्छे से देख लेना, दोबारा संशोधन नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, डिजी लॉकर वाली बात समझ गए, जो बच्चे स्कैन करके लगाए हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का कुछ चीज़ें यहाँ पे हम आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, आपको ध्यान से समझना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपका जो फॉर्म है, 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ और 16 जनवरी 2024 लास्ट डेट थी, यानी आपको फॉर्म फिलअप करने के कितने दिन मिले थे फ्रेंड्स? 21 दिन मिले थे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो फॉर्म का कोड है ये कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से 110, इतने जीरो से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे समाप्त हुआ है, 1601461। इनके बीच का जब आप फ्रेंड्स डिफरेंस लेंगे तो आपका जो फॉर्म जितने फिलअप हुए हैं, 50,14,861 फॉर्म टोटल फिलअप हुए हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें यह भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे दो बार कर दिए होंगे रजिस्ट्रेशन, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ लोग जो है पैसा पेमेंट नहीं किए होंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्लियर है? तो अब आगे ध्यान समझिएगा, लेकिन अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि फॉर्म कितने पड़े हैं फ्रेंड्स, 50 लाख। उसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं कि फ्रेंड्स, तो हम आपसे बात करते हैं कि सीट पर फाइट कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो UPP की जो सीट है टोटल 60,244 है, जिसमें देखिए फ्रेंड्स अगर हम 2018 और 2019 की बात करें, अब मैं इसी बेस पे बात कर रहा हूं कि 2018 और 2019 की फ्रेंड्स कितनी कट ऑफ गई थी, यूनिक इंफॉर्मेशन प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो सारी चीजें मैं डिस्कशन कर चुका हूं, तो यहां मैं कट ऑफ की चर्चा नहीं करूंगा। तो हमेशा 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो यानी जो आपके DB PhD के लिए पास होंगे तो 1,50,610 कैंडिडेट यहां से पास होने वाले हैं, क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक अपना अनुमान लगाया है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, जो रियल फॉर्म है, देखिए अभी तक तो कितने फॉर्म पड़े थे, 50 लाख हमने बात किया कि लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो हमने मान लिया कि 8 लाख लगभग फॉर्म आपके इधर उधर रिजेक्ट हो जाएंगे, तो कुल मिला के जो ऑथेंटिक एग्जाम होने वाला है 42 से 43 लाख बच्चे एग्जाम को देने वाले हैं।
अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स 41 से 42 लाख आप एकदम मतलब कि रियल फॉर्म होगा यानी फ्रेश फॉर्म होगा ऐसा मैं मान लेता हूँ। ये 40 लाख भी आंकड़ा हो सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स एसएससी जीडी में भी आप लोग देखे होंगे कि जो है 47 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, उस पर भी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से शानदार तरीके से वीडियो शाम तक मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स हमेशा अगर जो मैंने एनालिसिस किया है हमेशा देखिए फ्रेंड्स 30% बच्चे एग्जाम को नहीं देते हैं, एग्जाम को नहीं देते हैं यानी हमेशा जो एग्जाम देते हैं वो 70% जो है उपस्थिति रहती है आप सभी लोगों के एग्जाम में। तो वही मैंने 42 लाख का 70% निकाल दिया तो इसका मतलब 29,40,000 बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स एग्जाम देंगे। लगभग ये मान के चलिए कि 30 लाख के करीब तक बच्चे जो है एग्जाम देने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें पास कितने होंगे, 1,50,610 भले ही इतने पास होंगे ढाई गुना, लेकिन फ्रेंड्स जो आपको अगर मैं बता दूं कि जो फाइनली आपका तो जो सिलेक्शन है वो 60,244 सीट है ना, तो मैं मान के चलता हूं कि एक सीट पे फाइट कितनी है लगभग 48 बच्चों की। तो जो इसमें सबसे यूनिक करेगा, जो सबसे अलग करेगा, जो अपने जोश और जज्बे को बरकरार रखेगा, जो अपने धैर्य को जो है रखेगा, जो बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अब ध्यान समझिएगा मैं कुछ सिलेक्शन के मूल मंत्र आपको बताने वाला हूं, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो अवश्य ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। ये बात ध्यान देना फ्रेंड्स आपको, कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार पढ़ना, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप मिस कर दें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम अभी मिनिमम आपको देखिए फ्रेंड्स डेली 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना है, खुद को झोंक दीजिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद डेली के डेली पढ़ना है फ्रेंड्स। सबसे पहला काम है प्रीवियस ईयर पेपर भले आप सभी लोग जरूर लगा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ जितने भी आप जैसे देख सकते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ 2022 का और 2023 का, इसमें जितने भी मैथ और रीजनिंग आए हैं फ्रेंड्स उसको आप सभी लोग जरूर सॉल्व कर डालिए, क्लियर है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर में आपको डेली शाम को 7 बजे टॉप 10 की क्लास मिलती है जिसमें मैं शानदार तरीके से करवा रहा हूँ, और जो देखिए फ्रेंड्स मॉर्निंग में एक मेरी क्लास मिलती है, ये दोनों क्लास जरूर देखना फ्रेंड्स, मिस नहीं करना है। तो आप सभी लोगों को इसके अलावा फ्रेंड्स इतने घंटे आपको पढ़ना है यानी मॉर्निंग में जो क्लास मिलती है फ्रेंड्स में एक ही टाइप के जो है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आप सभी लोगों को विद कॉन्सेप्ट कराता हूं, तो जरूर देखना फ्रेंड्स, मिस नहीं करना है। यहां से 101% क्वेश्चन आएंगे और मैं हमेशा लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर के साथ साथ अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मॉक टेस्ट जरूर देना है डेली। इस समय देखिए फ्रेंड्स एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए और आप देखिए आपकी कमियां कहाँ हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं, किस टॉपिक में गलत हो रहा है, जो टॉपिक गलत हो रहा है, जो स्ट्रांग है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो वीक है उसी को पढ़ते चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के मॉक टेस्ट है उसको भी जरूर दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा एक्सपेक्टेड लेटेस्ट सवालों का भी आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, तो फ्रेंड्स ये काम जरूर करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस जबरदस्त तरीके से करिए, कहाँ गलती कर रहे हैं है, कहां कमियां है उसको आप सुधारते जाइए, ऑटोमेटिक चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं जैसे फ्रेंड्स आप अर्थमेटिक में हम बात करते हैं आपकी स्पीड कैसे मेंटेन होगी, तो अर्थमेटिक में स्पीड मेंटेन करता है कैलकुलेशन। आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, डेली 10 से 15 मिनट गुणा जोड़ घटाना भाग बच्चों की तरह करना है, चार पांच बुक की उपचार क्लास 4 या 5 की बुक होगी उसको जरूर कैलकुलेट करिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स बच्चों को तो आता है सवाल लेकिन कैलकुलेशन मेन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना, यहाँ से आपकी स्पीड मेंटेन होगी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एडवांस मैथ की, तो इसमें आपको फार्मूला मस्ट है याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। एडवांस मैथ में जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कहेंगे कि सर ये भी याद करनी चाहिए, टेबल यानी पहाड़े, ये कोई मजाक की बात नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको टेबल कायदे से नहीं याद रहता, टेबल जरूर याद करिए। स्क्वायर 1 से 30 तक फ्रेंड्स याद होना चाहिए, क्यूब 1 से 20 तक कायदे से याद होना चाहिए। अगर यही तीन चीजें आपको अच्छे से पता है तो फ्रेंड 4 से 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, अगर ये याद है तो, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ, स्क्वायर क्यूब दोनों जगह पूछे जाते हैं। टेबल इसलिए याद होना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड मेंटेन होगी।
अब हम बात करते हैं फ्रेंड जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस आप जितना रटेंगे फ्रेंड्स उतना ही ज़्यादा आपको फायदा है। इस बात का ध्यान देना, आपको सारी चीज़ें चाहे आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस का पोर्शन हो, सब कुछ कायदे से रटना है फ्रेंड्स। मैं अपने जो है चैनल पर टॉप 50 GK क्वेश्चन सीरीज में टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज़ें डाल चुका हूँ। आप देखना है तो यहाँ से देखिए या कहीं से भी आप पढ़ते हैं, नथिंग मैटर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का भी अहम रोल होने वाला है। तो करंट अफेयर्स भी एक साल का देखिए अगर हम बात करते हैं लगभग आपको 2 ईयर तक कवर करने हैं। तो लास्ट 1 ईयर से तो देखिए फ्रेंड्स 60-70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30% क्वेश्चन किस पे पूछे जाते हैं उसके पिछले एक साल का, तो ये भी ध्यान देना है। यूपी स्पेशल आप सभी लोग अपने चैनल पर जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलने वाला है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी PDF डाल चुका हूं, तो देखिए फ्रेंड्स मेरा जो टेलीग्राम चैनल है यूनिक क्लासेस 7373, कहीं स्पेस नहीं देना, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो सारी यहां से यूनिक यूपी स्पेशल की PDF मिल जाएगी। अब हिंदी के लिए फ्रेंड्स हिंदी तो देखिए फ्रेंड्स आसान होती है लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए पढ़ने के साथ फ्रेंड्स प्रैक्टिस मस्ट है, जो भी टॉपिक पढ़िए अच्छे से हिंदी को प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी चीजें हो जाएंगी, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है आपको, टारगेट बेस पढ़ाई करना है, टारगेट बना बना के पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को अब हम मिलेंगे, जो है मेरी डेली की जो क्लासेस चलती हैं उसको ज़रूर देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।